नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष निकवर। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बैक बेंचेस ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स, कल के दिन के मेरे प्रेडिक्शन के साथ में। साथ ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे तीन स्टॉक्स जो कि लिस्टेड है फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो भी डिस्कशन करने वाले हैं पूरा का पूरा जो है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं इसमें से कोई भी स्क्रिप्ट को या फिर स्टॉक को या फिर इंडेक्स के किसी भी लेवल पे आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा ट्रेड करने के लिए। इन्हें सिर्फ और सिर्फ आप लोग जो है अपने एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज करिएगा। और मैं सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, और आप लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जो है वो जरूर लीजिए। तो आइए यहां पे शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस एजुकेशनल वीडियो। वीडियो को यहाँ पे शुरुआत करेंगे जो भी लेवल्स कल हम लोग ने डिस्कस किए थे हमारे आज के दिन की इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए उसकी परफॉर्मेंस के साथ में। शुरुआत करेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी के साथ में। दोस्तों बैंक निफ्टी में और निफ्टी दोनों ही इंडेक्स में हम लोग की पहली 5 मिनट की कैंडल जो है काफ़ी बड़ी दिखाई दी थी नेगेटिव ट्रेंड के लिए। लेकिन कल के यूट्यूब वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट में यहाँ से एक रिवर्सल यानी कि एक बुलिश ट्रेंड जो है वो पॉसिबल है। और आज के मॉर्निंग सेशन में हम लोगों को काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड जो है वो दिखाई दिया था यहाँ पे बैंक निफ्टी में। साथ ही अगर यहाँ पे निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो निफ्टी पे भी हम लोगों को काफ़ी अच्छा रिवर्सल जो है देखने को मिला था, यानी कि काफ़ी अच्छा बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा था। दोस्तों इन लेवल्स के साथ में हमारी जो एक्यूरेसी है वो बरकरार है, और मेरी कोशिश रहेगी इसे ऐसे ही मेंटेन रखने की। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक देकर के रखा हुआ है, जहाँ पे आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए ज़रूर फॉलो करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एलाइज ब्लू का अकाउंट ओपनिंग लिंक जो है वो दिया हुआ है। लिंक थ्रू अकाउंट ओपन करके आप लोग मेरे प्लैटिनम ग्रुप को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय कर सकते हैं, जहां पे मैं अपने लाइव मार्केट के जो सेटअप्स है वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करते रहता हूं। तो उसका लाभ आप लोग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में उठा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अकाउंट ओपनिंग का लिंक जो है वो दे करके रखा हुआ। वीडियो में आगे जाकर के हम लोग डिस्कस करते हैं स्टॉक्स के बारे में जो कि लिस्टेड है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी। लेकिन दोस्तों वो सीधा टिप्स में आ रहा था, इसलिए हम लोगों ने अपनी सीरीज को कुछ दिनों के लिए पॉज करके रखा हुआ है। अगर आप लोग स्टॉक ऑप्शन पे भी ट्रेड करते हैं तो मैंने अपनी स्टॉक ऑप्शन की स्ट्रेटजी बहुत डिटेल में यूट्यूब पे डिस्कस की है, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे करके रखा हुआ है। अगर आप लोग भी ट्रेड करते हैं यहाँ पे स्टॉक ऑप्शन पे तो वीडियो को जाकर के चेक कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो साबित हो सकता है। आगे जाकर के वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स के बारे में। एक बार इसका प्रेडिक्शन जो है वो चेक कर लेते हैं। दोस्तों दोनों ही इंडेक्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ से बुलिश ट्रेंड आज के दिन में एक्सपेक्टेड है, तो वो हम लोगों को देखने को मिला था। कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा बुलिश ट्रेंड आज हमें देखने को मिल रहा था। अब कल की अगर मार्केट के मेरी व्यू के बारे में बात करेंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का अभी एनालिसिस हम लोग यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, तो इस ट्रेंड का और यहाँ पे एक अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन जो है वो बना हुआ है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा एंड देन मार्केट में एक शार्प फॉल जो है वो आज के दिन के लिए हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड लग रहा है। लेवल्स के बारे में बात करेंगे तो 24,157 के नीचे निफ्टी यहाँ पे वीक हो सकती है। 24,076, 24,000, 23,915 और 23,824 यहाँ पे हमारे डाउन साइड के लेवल्स रहेंगे। तो 24,211 के ऊपर निफ्टी यहाँ पे बुलिश हो सकती है। 24,277, 24,327, 43, 24,418 और 24,504 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो में जो भी स्टॉक्स और इंडेक्स के जो भी लेवल्स हम लोगों ने एजुकेशनल पर्पस के लिए डिस्कशन किया हुआ है, इसको अगर आप लोगों को लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग के लिए टेस्ट करना है तो सबसे बेहतर टाइम फ्रेम मैं यूज करता हूं अपनी पर्सनल ट्रेडिंग के लिए, वो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम। यहाँ पे जो भी हम लोगों ने लेवल डिस्कस किया है
कि इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी मुझे बुलिश लग रही है। अब ऑब्वियसली चीज है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, इस पे ट्रेड करना मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग पेपर ट्रेडिंग के लिए इसे यूज कर रहे हैं तो 5 मिनट की जो हम लोगों की यहाँ पे कैंडल है वो इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग जो है वो देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करेगी तब हम लोग उसे कंसिडर जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सपोर्ट का लेवल हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो सपोर्ट जो है वो हमारे लिए स्टॉप लॉस के तौर पर भी काम करता है। वहां पर भी मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक जो है इसके प्रेफरेंस देता हूं 5 मिनट की कैंडल कैंडल क्लोजिंग के लिए। अब दोस्तों यहां पे कैंडल क्लोजिंग कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती है जो कि आप लोग वॉल्यूम देख करके जो है यहां पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इस चीज पे भी आप लोगों को ध्यान रखना होता है। जो भी लेवल्स हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं अपसाइड के लेवल्स या फिर डाउनसाइड के लेवल्स, ये आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम जो है वो लाइव मार्केट में करते हैं। साथ में दोस्तों मेरी मैजिकल लेवल्स की जो थियरी है इसके बेसिस पे जो भी स्टॉक्स हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किए हैं इन स्टॉक्स के साथ में जो हमारा लेवल 3 होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है, यहां से रिवर्सल्स हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। साथ में इंडेक्स यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं इन लेवल्स के साथ में लेवल 4 जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्सल का लेवल होता है जिसके ऊपर भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना जो है वो होता है। यहाँ पे अगर बात करें बैंक निफ्टी के बारे में तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है अभी की क्लोजिंग प्राइस से हम लोगों को दूर रहता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है वो एक चैनल में ट्रैवल कर रही है। इस टाइप का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है अब वो हम लोगों को अभी हाल फिलहाल में दिखाई दे रहा है। लेवल्स के बारे में बात करेंगे तो 52,000 का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जिसके ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश हो सकती है। 52,177, 52,321, 52,500 और 52,676 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो 51,870 के नीचे बैंक निफ्टी वीक हो सकती है। 51,671, 51,460, 51,281 और 51,014 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे। सो दोस्तों वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स मेरे कल के दिन के प्रेडिक्शन के साथ में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक देकर के रखा हुआ है जहां पे आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए जरूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो